और इसी के साथ रुख करते हैं मुख्य खबरों की तरफ। देश में तेल की बढ़ती कीमतों पर आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला। मायावती ने कहा, कोरोना काल में जनता महंगाई की मार झेल रही है, इसमें सरकार को तेल की कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए। साथ ही मायावती ने बीजेपी की योजनाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि योजनाओं का प्रचार हो रहा है लेकिन काम नहीं, और बीएसपी किसी के हाथ का खिलौना नहीं है। बीजेपी की चीन के मुद्दे को लेकर जो दोनों की जो आरोप लगा रहे हैं, तो इससे ये जो जनहित के मुद्दे हैं, जो इस समय डीजल और पेट्रोल की दाम का बहुत गर्म मुद्दा है, ये काफी हद तक दब रहा है। जबकि डीजल और पेट्रोल के मामले में मैं केंद्र सरकार को यही कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो अपने देश की जनता कोरोना की महामारी की मार से परेशान है, वो काफी प्रकार से वो आर्थिक दिक्कत में है, और दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल ने इनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। इसलिए मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि सरकार को डीजल और पेट्रोल के जो दाम है इसको नियंत्रित करना चाहिए, इसको जल्दी ही नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा और इससे फिर जनता त्राही त्राही करेगी। पिछले कई दिनों से तो ये खास तौर से अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर तो जो गरीब हित की या गरीब कल्याण की जो ये योजनाएं लॉन्च इन्होंने की हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले की हैं, तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है जमीन स्तर से, कि ये इनकी पब्लिसिटी तो बहुत हो रही है योजनाओं की, चाहे वो राज्य सरकारें कर रही हो, चाहे किसी भी पार्टी की या केंद्र की सरकार, तो इसकी पब्लिसिटी तो ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ जो सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं या जरूरतमंद लोग हैं, तो उन लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। अभी तो केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा, ये केवल प्रचार करते रहे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्य में केंद्र में बीजेपी की है, कि हम गरीबों के लिए ये योजनाएं शुरू कर रहे हैं और खास तौर से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, केवल योजनाओं के लॉन्च करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका लाभ गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को पूरा लाभ मिले, तो इसके लिए सरकार को इसकी मॉनिटरिंग बराबर करनी होगी। बीएसपी के बारे में जो कहा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में रहती है तो बीजेपी कहती है कि हम उसके हाथ का खिलौना बने हैं, जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में रहती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीएसपी उनके हाथ का खिलौना बनी है। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये बताना चाहती हूँ, दोनों पार्टियों को, कि खिलौना नहीं है। बीएसपी एक इंडिपेंडेंट और एक नेशनल लेवल की पार्टी है, और जिन लोगों के हित के लिए ये पार्टी बनी है उनके हित के लिए ये पार्टी कार्य कर रही है, और ये इनकी पुरानी कार्य, ये इनका पुराना आरोप है। तो जब बीजेपी सत्ता में रहती है तो कांग्रेस बीएसपी के ऊपर आरोप लगाती है, जब कांग्रेस सत्ता में रहती है केंद्र में तो बीजेपी आरोप लगाती है कि हम उनके हाथ का खिलौना बने, हम किसी के हाथ का खिलौना नहीं बने हैं। क्योंकि यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, वापस लौटेंगे तो बात